है गाइस। जा गाइस, अगर आप भी चाहते हैं खुद से जो है कि जो भी डिटेल्स है आपका, आप एक टीचर हैं और ई मीडिया वाहिनी में आप जो है कि लॉगिन करना चाहते हैं, उसके माध्यम से जो भी स्कूल का काम आप करना चाहते हो उसमें आप कर सकते हैं खुद से भी। तो लॉगिन कैसे करना है और बाद में जो है कि सारा काम हो जाने के बाद आप लॉग आउट कहाँ से करेंगे, इस वीडियो में यही हम जानेंगे। ठीक है, तो ये रहा कुछ इस टाइप से। चाहे तो आप जो है कि मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम कर रहे हैं ब्राउजर के माध्यम से। और इससे क्या होगा, स्क्रीन में बड़ा बड़ा दिखेगा ताकि आपको पता चले भाई हाँ इस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना ई विद्या वाहिनी, ठीक है, और सर्च करना। सर्च करने के बाद गाइस जो भी आपके सामने फर्स्ट लिंक आ रहा है उस वाले पे क्लिक करना है। ये रहा वेलकम टू ई विद्या वाहिनी लॉगिन, ठीक है ना। इसी में से आपको लॉगिन करना है, यहीं से हम लॉगिन करने जा रहे हैं। खुल जाए जल्दी से, ये रहा खुल गया। यहाँ फिर देखिए क्या क्या आपको चाहिए होंगे, ध्यान से देखना है। सेलेक्ट यूजर टाइप, इस जगह आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप एक ऑफिसर हैं तो आप जो है कि इस चीज करेंगे सेलेक्ट। स्कूल के माध्यम से आप लॉगिन करना चाहते हैं, चाहे आप एक टीचर भी हों या फिर खुद आप टीचर जो है कि अपना लॉगिन करना चाहते हैं तो वो भी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम करेंगे स्कूल यहाँ पे चूज, और यह यूडाइस नंबर होगा स्कूल का, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। और पासवर्ड होगा आपको दिया गया होगा, बताया गया होगा, वो आपको यहाँ से इस जगह एंटर करना है, ठीक है। पासवर्ड भूल गया है तो फॉरगेट करना है यहाँ से, ठीक है। और लेट्स सॉल्व दिस मैथ, है ना, ये जो दिया गया है इसको सॉल्व करके यहाँ पे आपको आंसर देना है, यानी कि टाइप करना है। उसके बाद इस साइनिंग पे क्लिक करना है, यानी यहीं से लॉग इन होना है आपको, है ना, ठीक है। कितना आसान है गाइस, ये लॉगिन होने जा रहा है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट्स करना आप लोग नहीं भूलिएगा। फाइनली गाइस हम लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है, और डैशबोर्ड अभी हमारे पास ओपन है। यही लेफ्ट साइड में दिख रहा है बहुत सारे ऑप्शन, है ना, यहीं से जो भी आपका काम किया जाना होगा यहीं से आप अपना कर सकते हैं, ठीक है। और लॉग आउट आपको बाद में यहाँ से कर देना है। इस पे पावर बटन दिख रहा है, लॉग आउट लिखा हुआ रहा है, चलो इस पे क्लिक करेंगे लॉग आउट हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं पसंद आ गया, और बाकी गाइस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और इसमें बहुत कुछ हम करने वाले हैं, करके सब कुछ समझाने वाले हैं, इसलिए आपको जो है कि हमारे साथ जुड़े रहना होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।